अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डर्मी वी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा रिव्यू वीडियोस हो रही हैं क्योंकि बस हो रही हैं तो क्या करें, अब हो रही हैं। ठीक है, विंटर्स हैं, पानी कम पीते हैं, स्किन ज़्यादा ख़राब होती है, तो स्किन केयर को अच्छा रखना, पानी ज़्यादा पीना, सबसे ज़्यादा ऑरेंज जूस पीना बहुत इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए। आप ख़ुद नोटिस करेंगे, जब आप ऑरेंज जूस पीना शुरू करेंगे या फ्रेश जूसेस पीना शुरू करेंगे तो वो हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं आपके स्किन को स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए। सो, आज की इस वीडियो में मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करूँगी। दिस इज़ द वन एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, पहले ही बता रही हूँ। सो, पैकेजिंग की जहाँ तक बात करें तो कुछ इस तरह से दिखती है। अच्छी पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और पैकेजिंग के ऊपर एक्सपायरेशन डेट, इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इन्होंने फ्रंट पर ही लिखा हुआ है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र विथ सेरामाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड, प्लस इसमें SPF 20 भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको सनलाइट से भी बचाएगा। इसमें सन प्रोटेक्शन भी मौजूद है, आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मौजूद है हाइलोरोनिक एसिड एंड सेरामाइड, जिसका मतलब है कि हाइलोरोनिक एसिड से आप वाकिफ़ ही हैं ऑलरेडी। हाइलोरोनिक एसिड स्किन में मौजूद मॉइस्चर को लॉक रखता है, स्किन में मौजूद मॉइस्चर को इंक्रीज़ करता है, और स्किन के ऊपर से फाइन लाइन और रिंकल्स को ख़त्म करता है। और इसमें मौजूद है सेरामाइड, सेरामाइड बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और स्किन को आलूदगी वगैरह से बचाता है। बेसिकली स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना दी और स्किन में मॉइस्चर लॉक कर दिया और स्किन को मॉइस्चराइज और सपल रखता है। सो, यहाँ पर मैं आपको इस ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का टेक्सचर दिखा रही हूँ। बहुत ही लिक्विडी लोशन टाइप का टेक्सचर है, क्रीमी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। सबसे अच्छी बात इस मॉइस्चराइज़र की ये है कि इतना रीज़नेबल प्राइस है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने उसमें कहा है कि अगर आप बहुत महंगा क्लेंजर, बहुत महंगा टोनर, बहुत महंगा जो है स्किन एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप जो मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी आप सेम ब्रांड का या अच्छा सा महंगा सा यू नो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। ठीक है, कोरियन स्किन केयर की जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ मेरी कोरियन स्किन केयर कॉजारेक्स ब्रांड से रिलेटेड थी। बट ये है कि अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। सो, ये मॉइस्चराइज़र भी आप महंगी स्किन केयर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये मॉइस्चराइज़र इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, इसकी क्लोज़अप पैकेजिंग, इसका टेक्सचर मैं दिखा चुकी हूँ। वैसे मुझे 1 वीक हुआ है इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करते हुए, इतना लॉन्ग पीरियड नहीं हुआ इस मॉइस्चराइज़र के साथ मुझे, बट 1 हफ्ते में जो मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में मैं तकरीबन इसको डेली ही यूज़ कर रही थी, डेली डे टाइम में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सुबह उठे, फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद अक्सर स्किन ना थोड़ी खिंची खिंची ड्राई ड्राई महसूस करती है, स्पेशली विंटर्स में। ठीक है, तो मैं ये डर्मी वी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। अच्छा रिज़ल्ट इन अ सेंस के पोर्स इनलार्ज नहीं हुए, पोर्स क्लॉग नहीं हुए, स्किन डल नहीं हुई, स्किन अच्छी फील कर रही थी, ब्राइट स्किन फील कर रही थी, पोर्स मिनिमाइज थे। जो मैं एक्सपेंसिव कोरियन प्रोडक्ट अगर यूज़ कर भी रही हूँ, अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो ये आपको पोर्स और स्किन टेक्सचर को और पिगमेंटेशन को ख़राब नहीं करेगा। ये है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ड्राई स्किन डिसऑर्डर, मतलब जो आपको ड्राई स्किन के इश्यूज हैं उनको ये सॉल्व करता है। अगर आपकी ड्राई एक्नी प्रॉन स्किन है, ड्राई स्किन है, साथ एक्नी भी है, साथ लार्ज पोर्स भी हैं, तो आप ये हाईली रिकमेंडेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और बिल्कुल फाइन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी ड्राई स्किन के ऊपर सिवाय ड्राइनेस के, तो आप कोई और मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसकी तरफ जाएं। सो, ये है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए, ड्राई स्किन विद एक्नी प्रॉन स्किन के लिए, तो ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं।
अब जैसे मैं आपको क्लोजअप में इसका टेक्सचर दिखा चुकी हूँ, फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ही जो है वो लिक्विड टाइप लोशन है, क्रीमी तो बिल्कुल भी नहीं है, और क्रीमी होगा तो फिर वो ग्रीसी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होता है। मैंने बहुत ज़्यादा ही लगा लिया आई थिंक, तो बहुत कम क्वांटिटी आपको स्किन के ऊपर लगानी होती है। अगेन आई एरिया से बचा लें, आई एरिया पे कोई और चीज़ अप्लाई करें। अच्छा, अब आप देख सकते होंगे कि मैंने ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया है, बट कुछ ही मिनट्स बाद जो है ये स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी अगेन गीला गीला से लग रहा होगा फेस के ऊपर। सो दिस इज़ द फाइनल लुक विद दिस मॉइस्चराइज़र। फाइनल लुक क्या मतलब, स्किन के ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह से। अब तक बात करें कि ये स्किन के ऊपर कैसा फील होता है, थोड़ा सा हैवी फील होता है, ग्रीसी बिल्कुल नहीं है, लाइट वेट है, बट ऑब्वियसली अभी लगाया है तो स्किन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लेगा एब्जॉर्ब होने में। स्किन के साथ अगेन जैसे मैंने कहा कि स्किन के साथ दोस्ती करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये है कि लगा रहने दें और आधे घंटे बाद, अगर आप मेकअप से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन आधे घंटे का टाइम दें, आधे से पौने घंटे बाद फिर आप अपनी मेकअप की एप्लीकेशन करें। ठीक है, अगेन फेस वॉश करना है या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, फिर आप जो भी अपने स्किन केयर या मेकअप अप्लाई करते हैं वो आप कर सकते हैं। सो इस मॉइस्चराइज़र के भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं, एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट्स नहीं होते स्किन के ऊपर। हाईली रिकमेंडेड, ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र सर्च कर रहे हैं तो। सो दिस इज़ द एंड, आगे भी कोई अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।